जब अमेठी पुलिस के कैमरे में कैद हुई भूतनी तो फिर चौंक गए खुद पुलिस अधिकारी। एक पल में पूरा शरीर हो गया पानी पानी, जिसके बारे में कहानियों में सुना, और जब उसे सामने देखा तो फिर किसी को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। कैमरा ऑन ना होता तो कोई यकीन ही नहीं करता। भूतनी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। कोई कर रहा डरावने कमेंट तो कोई बोल रहा ये कपोल कल्पना है, लेकिन जिसने आंखों से देखा है उनका क्या कहना है आप भी देखिए। पहली बार ऐसा होगा कि पुलिस को भी किसी से डर लगा होगा, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसके बारे में कहानियों में सुना वो हकीकत में सामने था। अक्सर भूत प्रेत की कहानियां या तो फिल्मों में देखी हैं या फिर कहानियों में ही सुनी हैं। अमेठी पुलिस जब इस मामले की जांच करने गई होगी तो उसे भी नहीं पता होगा कि वाकई कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी ना तो उम्मीद है और जिसे देखने के बाद एक पल के लिए तो उनका ही दिमाग सुन्न हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो गया, और जब ऐसा हुआ तो फिर पुलिस के अधिकारी भी कुछ देर के लिए सन्न रह गए। पुलिस अधिकारियों को भी समझ नहीं आया कि जिसे कोरी कल्पना समझ कर वे आए थे वो हकीकत में उनके सामने है। अमेठी पुलिस के कैमरे में भूतनी के कैद होने का क्या अब सबको चौंका रहा है, और इसको लेकर लगातार सुर्खियों का दौर जारी है। जानकारी की माने तो अमेठी के गड़ेरी गांव में स्थित जंगल में रोज महिला के रोने और चीखने की आवाज आ रही थी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने निरीक्षण और पड़ताल की तो जंगल में महिला के रोने और चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। सामने तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब पुलिस ने वीडियो और फोटोग्राफी करवाई तो जो कुछ भी दिखा वो हैरान करने वाला था। कैमरे में एक महिला की तस्वीर थी। कैमरे में पारदर्शी महिला की तस्वीर देखकर पुलिस कर्मियों में भी हड़कंप मच गया। क्षेत्राधिकारी और LIU को जांच में लगाया गया है। अब CO और LIU रोती चीखती रूह की तकलीफ का पता लगाएंगे, लेकिन जांच में जो अधिकारी लगाए गए हैं उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि वो सामने से नहीं दिखती है और कैमरे में कैद हो जाती है। आखिर उसे कैसे पता लगाया जाए और पूछा जाए कि आखिर उसके चीखने और रोने का कारण क्या है। पुलिस के कैमरे में कैद हुई भूतनी वाले वाक्य की चर्चा अब हर तरफ हो रही है और लोग अलग अलग तरह से कमेंट कर रहे हैं। किसी का कहना है कि हकीकत में ऐसा है, तो किसी का कहना है कि ये कोरी कल्पना है और सिर्फ भय में कुछ ऐसा हुआ जो पुलिस को लग रहा है कि हकीकत है। इस मामले में पहले से कुछ भी कहना मुश्किल है। ऐसे में जांच जारी है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर हकीकत क्या है। लेकिन फिलहाल भूतनी वाला ये वाक्या सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, और स्थानीय लोगों से भी जब रिएक्शन लिया गया तो उन्होंने भी कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि अब तक हमने ये कहानियों में ही सुना था कि भूत होते हैं, और दादी नानी इसके किस्से सुनाया करती थी। कई गांवों में तो लोग आज भी भूतों की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि उनसे भूतों ने बीड़ी मांगी थी। लेकिन जिस तरह से पुलिस के कैमरे में भूतनी कैद हुई है उसने तो पुलिस वालों को भी चौंका दिया है। पुलिस कर्मी जांच में लगे हैं। देखना यह है कि जांच के बाद निकल कर सामने क्या आएगा। लेकिन फिलहाल ये भूतनी का किस्सा पूरे प्रदेश और देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, और हर खबरिया चैनल और हर खबरिया वेबसाइट पर इस भूतनी वाले किस्से की खबर आपको देखने को मिल जाएगी। भूतनी को पहली बार इतनी पब्लिसिटी मिल रही है और लोग भी हैरान है कि आखिर ये भूतनी कैसी है जो अब खबरों में छाई हुई है, और पुलिस वालों को इसकी तकलीफ जानने के लिए ड्यूटी पर लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।